आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम धरन। दोस्तों, एक बार एक कारपेंटर अपने घर से काम के लिए निकला और जहाँ पर काम होना था वहाँ पर जाते समय रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई और वह किसी तरह से उस जगह पे पहुँचा जहाँ काम होने वाला था। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला जिस काम से, जिस मशीन से वो काम करता था, वह मशीन ही खराब हो गई। अब कारपेंटर क्या करता, उस दिन का काम उसे बंद करना पड़ा। पर आते समय जो गाड़ी वह ले गया था वह तो पहले से ही खराब थी, तो उस काम वाली जगह पे जो मालिक थे उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और उस कारपेंटर को मालिक ने घर छोड़ा तो देखा कि वह व्यक्ति घर के सामने लगे पेड़ पर दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे पकड़ने के बाद शीश नवाता है और उसके अंदर गजब सी उत्साह आ जाती है और मालिक से कहता है मालिक आइए अंदर, कुछ चाय पी करके जाइएगा। वो मालिक जब अंदर जाता है तो उस कारपेंटर के उत्साह को देख करके प्रसन्न हो जाता है। देखता है कि वह अपने दोनों बच्चों से गले मिलता है और खुशनुमा माहौल बना देता है। जब चाय पी करके मालिक बाहर आता है तो कारपेंटर से पूछता है कि तुम आते समय उस पेड़ पर दोनों हाथ रखे और शीश नवाया, फिर तुम्हारे अंदर मैंने देखा गजब सा उत्साह आ गया और एक अंदर घर के अंदर माहौल खुशनुमा हो गया, सभी लोग प्रसन्न थे, तुमने ऐसा क्या किया, क्यों किया? उसने बताया मालिक जब घर के बाहर निकलता हूँ तो बहुत सारे ऐसे दुख परेशानियाँ सामना करना पड़ता है, पर शाम को जब वापस आता हूँ तो वही पेड़ मुझसे हाल चाल पूछता है और उन परेशानियों को मैं वहीं पर टांग देता हूँ, अंदर उन परेशानियों को नहीं ले जाता घर के अंदर, क्योंकि मेरे बच्चों ने, मेरे बीवी ने क्या बिगाड़ा है कि मैं उनको ये परेशानी दूँ, उन परेशानियों को वहीं टांग करके घर में पेश करता हूँ। और सुबह जब निकलता हूँ तो उस पेड़ से उन परेशानियों को ले लेता हूँ और आश्चर्य की बात तब होती है कभी कभी जब घर से निकलता हूँ तो वो परेशानियाँ पहले ही दूर हो जाया करती हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को उन बच्चों और बीवी में न बांटें, इसके लिए ऐसा करना पड़ता है और करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।